2 लाख का बूट, 5 लाख का सूट और सारे दिन झूठ ही झूठ। इसी से आए हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई आपको आने में? तकलीफ हुई लेकिन हिम्मत मर्दे मत दे खुदा। ये इस्तीफे की बात छोड़ दे, ये नाटकबाजी बंद करे, इसको तो हमने जेल में डालना है। जब तक मेरी बेटियों को समर्थन नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। बीजेपी सरकार ने मेरे को भीख मांगना सिखा दिया। मैं नौकरी करता था, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा ने मेरी नौकरी खोज ली। अंधेरे में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। एक बुनियादी चीजें हैं पानी और बिजली। कितने शर्म की बात है, इतनी बड़ी सरकार कहते हैं हम 56 इंच के सीने वाले हैं, पूरा भारत इनके साथ है, वो ये लाइट काटने से पानी काटने से कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा है अगर मेरे साथ कार्रवाई होगी तो मैं सपा में चला जाऊंगा और बीजेपी सरकार को गिरा दूंगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। पहलवानों के प्रदर्शन का 9वां दिन भी समाप्त हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और तकरीबन 7:30 बज रहे होंगे। पहलवान लगातार वही हैं इस वक्त जिस प्रकार से वो बैठे होते हैं। सुबह से तो जमावड़ा आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि रात में भी लोगों की तादाद कुछ कम नहीं है। आप साफ तौर पर देखिए कि किस प्रकार से एकाएक करके तमाम लोग हैं यहाँ पर, और इन्होंने ये लोग अलग अलग जगहों से आए हैं पहलवानों के समर्थन में। ये वो हैं जिन्होंने उस दिन मटका फोड़ा था, जिसे तमाम लोगों ने देखा था। इन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पापों का मटका जो है फूटना जरूरी है, पाप का घड़ा फूट गया। और ये आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं अपनी बहन बेटियों की शान शौकत के लिए आया हूँ। अच्छा, हरियाणा से आप आए कैसे हैं? हरियाणा से मैं अपनी रेल से आया हूँ। ये आपकी रेल है? हाँ, ये मेरी रेल है। हाँ, इसी से आए हैं? कोई तकलीफ नहीं हुई आपको आने में? तकलीफ हुई लेकिन हिम्मत मर्दे मत दे खुदा। हिम्मत अगर होती है तो सब कुछ आसान होता है। अच्छा, वो मुख्य कारण क्या था कि आपने सोचा कि चलिए चलते ही हैं अब तो समर्थन में? हाँ, समर्थन में चलते ही हैं। और समर्थन देने तब तक रहेंगे आप यहाँ? मैं जब तक मेरी बेटियों को समर्थन नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। खाने पीने का इंतजाम कुछ किया है या नहीं? मैं अपने बजरंग बली को याद करता हूँ, वो मेरे को खाना दे के जाते हैं। हाँ। आओ, अगर किसी को शक हो तो मेरे पास आओ। अच्छा, अमूमन वैसे आप करते क्या हैं? मैं भीख मांगता हूँ, रोटी खाता हूँ। हाँ। और बीजेपी सरकार ने मेरे को भीख मांगना सिखा दिया। मैं नौकरी करता था, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा ने मेरी नौकरी खोज ली। और बोलो क्या? तो आप देख लीजिए साफ तौर पर, आप मैं ये बता रही हूँ कि किस प्रकार से तमाम लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मलिक। अरुण मलिक जी, 7:30 बज रहे हैं रात के, घरों में जाकर सोइए, यहाँ कहाँ यहाँ एकजुट हो रहे हैं? देखिए, अंधेरे में हमारी बेटियाँ बैठी हुई हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। एक बुनियादी चीज़ें हैं पानी और बिजली। कितने शर्म की बात है, इतनी बड़ी सरकार कहते हैं हम 56 इंच के सीने वाले हैं, और ये बेटियाँ बैठी हैं अंधेरे में। पानी एक बुनियादी समस्या, पानी नहीं करके पूरा भारत जंतर मंतर पर ही आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारत जनता, पूरा भारत इनके साथ है। हाँ। पूरा भारत इनके साथ है, वो ये लाइट काटने से पानी काटने से कुछ नहीं होने वाला। ये रोशनी से दिन लोगों की रोशनी होगी, लोगों में रोशनी है, वो इनके साथ हैं, इनके साथ हैं जो जितने भी पहलवान हैं यहाँ बैठे हैं। अगर रात का माहौल है तो आप ये मत सोचिए कि लोगों को नींद आ रही है। उधर देखिए उन्होंने किस प्रकार से भारत का संविधान जो है किताब पूरी पकड़ रखी है, और इधर देखिए अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। वहाँ जो चाय की टपरी है वहाँ पर भी तमाम लोग हैं, और यहाँ पर भी इस वक्त भी मेरे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से आए हैं, कब आए हैं? अभी आधा घंटे पहले आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? सपोर्ट करने के लिए पहलवानों का। Yes. अच्छा, सब पहलवानों का ही समर्थन कर रहे हैं? आप लोगों ने तय कर लिया है कि ये ब्रजभूषण शरण गलत है? मैम गलत है, ऐसा हुआ जब भी तो ये लोग धरने बैठे हैं, कोई ये वो थोड़ी वो भी तो चीख चीख के बता रहे हैं कि हम सही हैं। क्या था? सरकार उनकी है, चीखने से क्या होता है, उनको बचा लेंगे वो तो कर रहे। समर्थन सिर्फ बेटियों के लिए आए हैं, बेटियों की जो इज्जत के ऊपर जो दाव लगा है ना, जो दाग लगा है उस दाग को साफ करने, पाक साफ करने के लिए यहाँ पर ये सब भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। वजह यही है कि पहले आप ये मत सोचिए कि पहलवान के सपोर्ट में आए हैं। जो दाग लगाया, 7 बेटियों के ऊपर जो लांछन लगाया है ना, आप समझते हैं ना, जो रेप का केस लगा उनको, उन्होंने पीड़न का, हाँ, लगाया है ना, उसके लिए आए सबके सब। अच्छा,
मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग जिस प्रकार से यहाँ डटे हैं, इससे पहले भी बड़े केस हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, रेप के मामले तो दिन ब दिन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े खुद बताते हैं कि एक दिन में तकरीबन 86 रेप केस हो जाते हैं। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज करा दिए जाते हैं, तो इससे पहले भी हुआ है, ये अनोखा क्या लगा? क्योंकि ये पहलवान है आप, इसलिए समर्थन में अनोखा वाली महिलाओं के साथ तो पहले भी अनोखे की बात नहीं है। बात ये है, निर्भया केस में पब्लिक इकट्ठी नहीं हुई थी, जबरदस्त तो आप कह रहे हो खाली इसी केस में हुए हैं। निर्भया में हुए हैं तो लग रहा है कि उसमें तो जो हुआ था उसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद जनता भी खुश थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं दिन ब दिन? बढ़ते क्यों जा रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट जो लचर कानून व्यवस्था, इसकी वजह से ही सारे जो बढ़ गए, ये बड़े मामले जितने, अगर कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो नहीं बढ़ेंगे ऐसे केस। सत्ता का भी किसी भी हालत में हमारी जो बीजेपी सरकार है, इसमें जो पार्टी में जो नेता है उसको ऊपर से संरक्षण है। क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी सहारा दे रही है इन लोगों को? बिल्कुल दे रही है जी, इनका संरक्षण है, ये बहुत ही शक्तिशाली शक्तिशाली एफआईआर इतने दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुई है, आज सोमवार हो गया, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? नौवां दिन हो गया आज। आप कह रहे हो ना कि वो चीख चीख के कह रहा है, उससे ज्यादा मैं चीख सकता हूँ, उससे ज्यादा तेज आवाज मेरी है, मैं कह सकता हूँ ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, दुष्ट ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, उससे ज्यादा चीख के हम कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आज कितने दिन हो गए एफआईआर को हुए? सरकार बीजेपी तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है इस मसले पर, तो बीजेपी तो दबा रही है ना, कैसे बोलेगी जब उनको पता है कि वो गलत है, वो गलत है, बीजेपी तो नहीं बोल रही है बीजेपी। आप अगर बीजेपी हाँ भर ले तो उनकी पार्टी की बदनामी नहीं है? सुनो, आज नई बात सुनी है, उसने कहा है अगर मेरे साथ कार्रवाई होगी तो मैं सपा में चला जाऊंगा और बीजेपी सरकार को गिरा दूंगा। ये ब्रजभूषण सिंह की वर्डिंग है, क्या कहना चाहते हैं? नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी मेरे को बता के गया नुला अगर मेरे कि मैं धरना खत्म करो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तू पहले इस्तीफा दे ना, तेरे को तो जेल में डालेंगे, किस बात का तू इस्तीफा देगा? है वो धरना खत्म हो, इस्तीफा से संतुष्टि मिल जाएगी? यौन उत्पीड़न जैसा मामला है ना, कोई इसको तो जेल में डालना है, हमें इसको जेल में डालना है, पता लगे कितने 38 केस है इसके ऊपर, इसको तो जेल में जाना पड़ेगा, ये बच नहीं सकता अब। ये इस्तीफे की बात छोड़ दे, ये नाटकबाजी बंद करे, इसको तो हमने जेल में डालना है। ये 38 केस वो हैं जिन लोगों ने हिम्मत जुटाई, और जिन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई न जाने वो कितने होंगे। बीवी श्रीनिवास के ऊपर एक लड़की ने एक मामूली यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद असम पुलिस तुरंत उसके यहाँ नोटिस चस्पा करके आ गई, और यहाँ पे तो एफआईआर कटने की भी नौबत बहुत बुरी तरह से आ गई है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ऐसे केस ना बढ़े और बेटियों के साथ न्याय हो। ये तो कम होते लेके आए हैं क्योंकि रात हो गई है। हाँ बिल्कुल, इनका सपोर्ट 100% इनका सपोर्ट है। हम तो बिना कत्ते के किसान, हम तो बिना कत्ते के, हम तो जवान किसान के बच्चे। नींद नहीं आती। अच्छा, इतनी हलचल मची है? हाँ, नींद नहीं आती, आंखों की नींद और मुंह की भूख गई है। बीजेपी ने छीन ली है क्या सब? हाँ, बीजेपी ने छीन ली है। हाँ, और तो देखिए साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि देखिए लोगों की तादाद कम नहीं है, तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं चेहरे, ये लोग किस प्रकार से रात को आएंगे ना, 11:30 बजे आएंगे, हो सकता है इससे प्लसिंग होगी, इससे माइनस नहीं होगी, इतना हजूम आता है जी। 11:30 बजे रात को, 11:30 बजे आप आइए एक बार आके देखिए। नींद, भूख, प्यास सब छीन लिया है आप लोगों, ये तो आप जानते हैं। आपको पता है कि छीनी है नहीं छीनी है? बताइए, छीनी है ना। तंत्र बताया जा रहा है, आप लोगों ने वोट भी दिया था, वोट दिया है, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, आप बताइए क्या करें? लोकतंत्र की तो हत्या की जा रही है, संविधान को तो ये मान ही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी, संविधान को कहाँ मान रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है ये। आप ये देखिए कि इतनी बारिश और इतना कुछ है, ये बच्ची यहाँ पटरी पे सो रही है, और देश का राजा मखमल के गद्दे पे सो रहा है, 8,000 करोड़ के प्लेन में जा रहा है, ये देश का राजा है, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। हाँ मोदी जी, मन की बात करते हैं, काम की बात तो करते नहीं। आप कह रहे 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया भाई? कोई भी डिबेट करता है नहीं, कोई भी चैनल वाले। आप कह रहे 15 लाख रुपए दे देंगे, काला धन आ जाएगा, मेक इंडिया, स्किल इंडिया, इतने वादे, झूठे वादे किए। मेक इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनधन खाता, हवा बाज है। गंगा मैया, मैं ये कह रहा हूँ गंगा मैया साफ हो गई गंगा मैया से। आप सारा फंड जो मिला सारा चट कर गए, वहाँ के लोग जितने भी थे बीजेपी सारा चट कर गए। आज गोरखपुर में 9 किलोमीटर सड़क बन रही है 5,000 करोड़ रुपए में,
क्या आप सोच सकते हो कभी 5000 करोड़ 9 किलोमीटर सड़क कितनी लंबी चौड़ी सड़क बन जाएगी, 200 किलोमीटर सड़क बन जाएगी। वो सब खाए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के भी गुरु निकल गए घोटालों में। हाँ जी, जब ये कुर्सी से आएगा जब पता चलेगा इसने क्या किया है, 10-10 लाख के सूट चाहिए इसको, घड़ी चाहिए। गुस्सा देखिए। हाँ, 2 लाख का बूट, 5 लाख का सूट, और सारे दिन झूठ ही झूठ, झूठ। 2 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और सारा दिन झूठ ही झूठ। 8 साल से झूठ ही झूठ। अब कहावत के रूप में जनता भी आपको बताने लगी है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मोदी जी काफी कुछ बताते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरफ आप आइए, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी। रात के तकरीबन 8 बजे हैं और यहाँ पर वो तमाम दिग्गज पहलवान जिन पर हमें शान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं बैरिकेड लगे हुए हैं। खाने पीने का क्या इंतजाम है, व्यवस्था है, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस पर ठीक ढंग से कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाकर तो कहीं FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन ये रात का माहौल है इस वक्त मैं जो आपको दिखा रही हूँ, और हम दिखा रहे हैं कि पूरे दिन किस प्रकार से एकाएक लोग आ रहे हैं, उन लोगों की तादाद कम नहीं हो रही है। बैरिकेड हैं, पुलिस प्रशासन है और तमाम लोग हैं। मैं देखिए, पहलवान संघर्ष समिति के भी लोग हैं। इस बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह के भी कई सारे बयान आते रहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि जब मेरी पार्टी ये बोलेगी तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अगर उनका ये बयान है कि मेरी पार्टी जब बोलेगी तब मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी में अभी भी इस मसले को लेकर कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिल रही है। आपको मैंने बताया था कि आज श्रम दिवस है। श्रम दिवस के दिन पर जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के साथ साथ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर SSC CGL के तमाम बच्चे यानी कि बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ सैनिक जवान जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये जंतर मंतर ठीक उसी प्रकार का अखाड़ा बन चुका है जहां पर लोग आए दिन प्रदर्शन करते हैं, मांगे करते हैं। अफसोसन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन मांगों में कितनी मांगे पूरी होती हैं। पुलिस प्रशासन, बैरिकेड और ये तमाम चीज़ें तो आपको देखने को मिल रही होंगी। रात के 8 बज रहे हैं और ये लोग ऐसे ही डटे पड़े हैं। खैर, अब देखना ये दिलचस्प है कि आगे इस मामले में क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।